सलाम नमस्ते सत श्री अकाल गाइस, दिस इज स्टोरी वाला सिड और आप सभी का स्वागत है सवालों का सिलसिला में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीजे एमी, एके अमन। थैंक यू सो मच। तो एमी भाई, क्या हाल है गाइस? बस भाई बढ़िया, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? बस बढ़िया भाई। तो एमी भाई, हाउ इज योर क्वारंटाइन गोइंग? और मैं अपनी लैंग्वेज में क्वारंटाइन टिन कैसी चल रही है? कानों में टिन टिन बज रही है, आपको मतलब हो रहा है कि लॉकडाउन खोल दो? बहुत कुछ बज रहा है कानों में, और वैसे भी यार अच्छा ही लग रहा है। बट यू नो, स्पेशली जो लोग देख रहे हो, जो लोग देखेंगे ये वीडियो विल कनेक्ट टू दिस, कि यू नो जो लोग फैमिली से बाहर, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, एंड नाउ दे आर लकीली यू नो विद देयर फैमिली, तो अच्छा तो है दैट दे आर स्टेइंग विद द फैमिली, बट इट्स ऑलमोस्ट द बैड पार्ट आल्सो, बिकॉज़ देयर आर मेनी थिंग्स which a person can't do with the family, वो फ्रीडम नहीं मिल पाती है। तो चल रहा है, मतलब क्या ही किया जाए, अच्छा है बुरा है जो भी है, बस चल रहा है। वो ना कि खट्टा मीठा सा नुआंस है ये जिंदगी, खट्टा बस 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 वो बस मुंह में पानी भी आ गया वो सुन के, खट्टा मीठा, और बस वही खट्टा मीठा है, मतलब माँ का प्यार भी मिलता है और पापा जी की गालियां भी मिलती है, तो बस इट्स अ कॉम्बो ऑफ यू नो प्यार एंड गालियां, सो इट्स ऑल अबाउट खट्टा मीठा। स्कूल लाइफ की बात करते हैं, मतलब तीन तरह के बच्चे होते हैं स्कूल में, तीन तरह के होते हैं। एक होता है डॉन, जो बैठते हैं लास्ट सीट पे, वो करते हैं वो कहते हैं क्लास में किसका राज है, हमारा। फिर आते हैं गैंगस्टर्स और शार्प शूटर्स। वो होता है कि प्लेन हाइट, प्लेन साइड में भी छिप जाते हैं, यानी कि मिडिल डेस्क वाले, इन्हें पीछे वाले साथ रह के बस कर रहे हैं, आगे वालों के साथ रहकर जो है इन्होंने पढ़ भी लेने। फिर आते हैं फर्स्ट डेस्क वाले, बता रहे हमारे गऊ गौ व्यक्ति हमारे, एकदम ना शांत रहने वाले, बोलते ना गुड मॉर्निंग मैम, हाँ जी मैम कैसे मैम, मतलब जी मैम, जी मैम मैं कर देता हूँ मैम। तो वो होता है फर्स्ट डेस्क वाले। तो आप मतलब कौन से डेस्क की जो है कैटेगरी में आते? देखो जो लास्ट वाला तुमने बोला है वो तो डिलीट है, मतलब वो तो ना ही हो पाया हमसे, ना कभी किया है ना कभी हो पाएगा। सो यू कैन से गैंगस्टर टाइप वाले, मतलब आई वॉज नेवर अ डॉन, बट डॉन हमारी मुट्ठी में होता था। अरे ये मतलब मैं इस वीडियो में स्कूल ग्रुप में भी शेयर करूंगा, मतलब आई विल, मैं शायद वो देख भी रहे हूँ वो लोग लाइव मेरे स्कूल ग्रुप वाले। सो आई वॉज ए नागपुर इन सेंट जॉन स्कूल, तो मैं ग्रीन हाउस कैप्टन था, बट हमने ही मतलब मेरे जो ग्रुप था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, तो हम लोगों ने अपने, मेरा जो फ्रेंड था जो कि बहुत यू नो शाय वाली कैटेगरी वाला बंदा था, उसको हमने स्कूल कैप्टन बना दिया। अरे सो पूरे स्कूल में इट वॉज लाइक, एंड ही वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड हमारा ग्रुप था पांच छह लोगों का, और वो ग्रुप ऐसा था, मैं ग्रीन हाउस का कैप्टन था, रेड हाउस का कैप्टन, येलो हाउस का कैप्टन, हम तीनों वाइस ग्रीन कलर हाउस कैप्टन होते थे, और कैप्टन हमारा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसा था कि उसके दम पे हमने स्कूल में बड़े तमाशे किए, मतलब कहते ना हम कभी कीचड़ में नहीं कूदे, बट उसको कीचड़ में खुदा के सारे वो गंदे काम किए जो कर सकते हैं, मतलब बंक, बच्चों पे रॉबगिरी, जूनियर से काम करवाना, टीचर से एकदम फ्रेंडली नेचर रहना, तो वो हर चीज किए जो एक यू नो एक नोटोरियस बच्चा कर सकता है, पर हाथ भी गंदे नहीं हुए। अरे सो यू नो दैट काइंड ऑफ, मतलब वो आप उस कैटेगरी के बच्चे थे। हाँ, एकेडमिक्स में भी अच्छा है, ठीक है, डिबेट भी कर रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, बास्केटबॉल कर रहा है, एकदम मस्त मस्ती भी कर रहा है, और पकड़ा भी नहीं जा रहा है। मतलब एकेडमिक्स का तो नहीं बोल सकता, मतलब आई वाज एवरेज स्टूडेंट, बट यस आई वाज ऑलराउंडर इन ऑल माय कल्चर एक्टिविटीज, मतलब मैंने डिबेट में कॉम्पिटिशन जीता है, आई हैव अ भांगड़ा ग्रुप, आई स्टिल डांस, देन मैंने वन एक्ट प्ले किया है, एंड यू वोंट बिलीव लाइक स्कूल लाइफ की बात चल रही है तो जो मुझे ऐसे देख रहे हैं वो ऐसे भी मुझे अज्यूम करें कि मैंने स्कूल टाइम पे मैं भारत माता बना था, मुझे उसमें सेकंड प्राइज मिला था, एंड एट माय 8th स्टैंडर्ड मैं चुड़ैल भी बना था। ओह शिट, दैट वाज सो फनी, मतलब समझ रहे हो, भारत माता और चुड़ैल मैं बना था, क्या ही मतलब एकदम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लेके आए। आई नो तो मतलब वही ना, बचपन से ऐसा रहा कि हर चीज में रहना ही रहना है, ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने, कोई स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा मैंने जिसमें मैं ना रहूं, तो बहुत बहुत लाइफ बहुत एंजॉय किया। स्कूल टाइम वाज द बेस्ट टाइम आई एवर हैड इन माय लाइफ, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं ये हर कोई करता होगा, एवरीवन कैन रिलेट टू दिस, हम जब बचपन में सोते थे तो मम्मी जब उठाने आती थी, मम्मी बेटा उठ जा स्कूल टाइम में, बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होता था, वो हमेशा 5 का 15, 15 का 50 हो जाता था, और मेरे साथ तो मेरा ये रिदम थी,
कि 5 मिनट कभी नहीं होता था, तो मेरे मम्मी पापा को पता होता था कि ये आधे घंटे में उठेगा, तो उसको आधे घंटे पहले से 5 मिनट करेगा ये। बट यस यार, स्कूल डेज वर द बेस्ट डेज। वो पांच मिनट ना, वो बोले 5 मिनट, हाँ मम्मी 5 मिनट में उठ रहा हूँ, और हाँ भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो कभी 5 मिनट में होता। मैं तो बहुत बदनाम हूँ, मतलब ये लोग मेरे दोस्तों की वीडियो देखेंगे, वो लोग तो बोलेंगे हाँ ये तो करता ही था ऐसा, इसकी तो आदत है अभी भी, एंड आई स्टिल डू दैट यार। सो भैया, यू बीन इन दिस बिजनेस फॉर अ क्वाइट अ टाइम नाउ, एंड यू स्टार्टेड विद द इंटर्नशिप, एंड यू स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 17-18। सो मैं चाहता हूँ कि आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, बिकॉज वहाँ पर जो लोग थे, जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप थी, आप, मैं चाहता हूँ उसके बारे में एक्सप्लेन करें। See, it's a very, मतलब क्या होता है ना कि मैं, after my 12th, I was in Nagpur, I'm born and brought up in Nagpur. After my 12th, I went to Pune. So I did my graduation in event management and BBA. Yeah. तो तब तक ये मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कुछ ना मीडिया में करना है. Yeah. But वो मीडिया में क्या करना है, कैसे करना है, I had no clue, because no one from my family was in media. Yeah. तो अपेरेंटली FTII जो इंस्टीट्यूट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ से यू नो सारे दिग्गज लोग पढ़े हैं हमारे इंडस्ट्री के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, टॉम वॉल्टर, बेंजामिन गिलानी, अनुपम कपूर, जितने भी बड़े यू नो एक्टर दिग्गज लोग हैं, तो मैं ऐसी रैंडमली एक बार उस इंस्टीट्यूट में चला गया, और मैं संत तुकाराम जो है प्रभात स्टूडियो, वो वहां पर है, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट बॉडी बनाई है। तो मैं एक, मेरे को अब तक वो बंदे का नाम है, his name was also Aman, but the guy with tall hair, he was, you know, doing cycling, and I just randomly asked him कि पाजी, उसे कड़ा पहना हुआ था, so I could recognize कि चलो शायद पंजाब से होगा, so you know वो पंजाबी पंजाबी फिर एक फील आ जाता है, मैंने पाजी यार मैं ना मीडिया में हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ, so और मुझे FTII के बारे में कोई नॉलेज नहीं था बिफोर दैट, मुझे मतलब I didn't have a clue कि क्या होता है, कैसे होता है। Yeah. तो मैं फिर वहां गया, मैंने बोला पाजी मैं इवेंट मैनेजमेंट में करता हूँ, तो मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग हियर इन दिस कॉलेज, अ पार्ट टाइम कोर्स, सो आई हैड नो आइडिया कि क्या हो सकता है। जी, तो भैया मतलब आपने वो देखा कि ही वाज वेयरिंग कड़ा, यू वर वेयरिंग कड़ा, तो मतलब पाजी पाजी इंस्टिंक्ट, वो पंजाबी इंस्टिंक्ट किक इन करता है, तो वो पंजाबी इंस्टिंक्ट हुआ, तो आई शुड लाइक यार पंजाबी तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब वो बातचीत करने पीछे नहीं हटते, तो लेट्स गो एंड आस्क हिम। तो मैं बोला पाजी यार मैं ना पुणे में आया हूं नवा, मुझे मैंने इवेंट मैनेजमेंट किया हुआ है, सो आई रियली वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, तो यू नो टेल मी कि इस इंस्टीट्यूट में क्या हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई इंटर्नशिप। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ना एक कम्युनिटी रेडियो है, सो आई टेल यू व्हाट इज कम्युनिटी रेडियो, इट्स बेसिकली अ रेडियो स्टेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी का होता है, जिसको 25 किलोमीटर रेडियस का उसका रीच होता है। तो ही वाज लाइक तू अगर एंकरिंग वगैरह करता है, अच्छा आई यूज्ड टू डू एंकरिंग, मतलब मैंने आई टोल्ड ना कि मैं हमेशा एक्टिव रहता था अपने कल्चर एक्टिविटीज में, सो डिबेट हो, एंकरिंग हो, स्टेज प्रेयर हमेशा मैं करता था, तो आई यूज्ड टू डू बिट ऑफ एंकरिंग बिफोर दैट। तो उन्होंने कहा कि FTII जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ रेडियो कम्युनिटी रेडियो है, यहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। देन आई टुक, आई गिव 6 राउंड्स to be a part of that internship. अरे और हजारों लोग try करते हैं उसमें, and luckily I got selected. So 6 people were, you know, supposed to get select. So I got selected there. So you know that's where I started doing my internship. मेरा college का तो कुछ hectic scene नहीं था, but you know that was the point where I got introduced to the film world. क्योंकि FTII में क्या होता है ना, मतलब student films इतने बड़े level पे बनती हैं कि you get to learn many things, film production, acting ki knowledge, direction ki knowledge, how to be a management guy in this entertainment field. Aur aap manoge nahi, Nasruddin Shah, Tom Walter, wo log aise matlab baju se jaate the na, used to get shit. And I'll tell you, I'll share one experience, because of being into FTII and you know having a knowledge of doing anchoring and taking interviews, maine apni life ka pehla interview, aap manoge, life ka pehla interview Nasruddin Shah, Tom Walter aur Benjamin Gilani ka liya tha. Are it was an interview through a dinner table, and I was crying. So Naseer sir aaye, wo kehte are paaji kya hua, I still remember those words, matlab sir kuch nahi, matlab pehla interview hai, so I am, you know, very nervous. To kehte nahi yaar, tu to Punjabi banda hai, tere to khoon mein hai baat cheet karna, to tu just shuru ho ja. So and that was, you know, one of my first interview, aur wo interview dinner pe hua tha, and matlab wo it was not a video interview, it was a Zoom recording interview. Okay.
तो वो था फिर सेम, मतलब मैं उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में पूछ रहा था। एंड उस दिनों FTA में स्ट्राइक चल रही थी, 150 डेज की जो स्ट्राइक हुई थी। ओके सो स्ट्राइक पर उनका क्या टेक है क्या नहीं, सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ माय इंटर्नशिप। फिर मैंने वहां पे एक प्रोडक्शन हाउस है, आर आर्ट स्लैब। इट वाज अ प्रोडक्शन हाउस टू सपोर्ट एंड गिव प्लेटफॉर्म टू ऑल द आर्टिस्ट आउट देयर। सो जी इट वाज जस्ट अ स्टार्टअप एंड आई ज्वाइंड देयर। एंड फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर मेरे अंदर में उन्होंने, जो मेरे मेंटोर है इफ्सित जी नायक, तो उनके अंडर में फिर मैंने काम सीखा काफी सारा। एंड जी दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर पुणे में था, फिर इंटर्नशिप करी, फिर बॉम्बे शिफ्ट हुआ, फिर बॉम्बे में मैंने अपने पीजी कोर्सेस किए। दैट्स हाउ यू नो जर्नी स्टार्टेड।